ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ई चालान की शुरुआत हो गई है। इसके लिए बकायदा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है। आयोजित पुलिस कंट्रोल रूम खारगोन में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री एवं SDOP रोहित अलावा की उपस्थिति में अनुभाग खारगोन के अधिकारियों, जिनमें थाना कोतवाली, थाना मेनगांव, थाना ऊन, थाना बरूड़ के TI अपने स्टाफ के साथ उपस्थित हुए और POS मशीन से चालान बनाने संबंधित प्रशिक्षण लिया। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे और काम जल्दी हो, इसके लिए POS मशीन के जरिए ई चालान और ई पेमेंट की शुरुआत की जा रही है। ट्रैफिक नियमों की धाराएं एवं जुर्माने की राशि मशीन में पहले से ही फीड है। जिस धारा का भी उल्लंघन होगा उसको भरते ही जुर्माने की राशि स्क्रीन पर आ जाएगी और उसे भरना पड़ेगा। POS मशीन में एक कैमरा भी लगा है जो कि मौके पर फोटो भी लेगा। इस लेन देन के लिए डेबिट कार्ड, ATM और नेट बैंकिंग आदि का उपयोग होगा। आने वाले दिनों में UPI QR कोड सिस्टम भी लागू हो जाएगा। अगर कोई नगद भुगतान करना चाहता है तो इस पर गाड़ी का नंबर और नियम के उल्लंघन की जानकारी फीड करते ही पर्ची निकल जाएगी, जिसके बाद नगद भुगतान लिया जा सकेगा। पैसा नहीं है तो दूसरी व्यवस्थाएं जैसे कि वर्चुअल कोर्ट भी है। यदि किसी व्यक्ति के पास जुर्माने की राशि नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो उसका गाड़ी का नंबर और मोबाइल का नंबर फीड किया जाएगा और इस नंबर पर POS मशीन के जरिए SMS के माध्यम से एक लिंक भेजी जाएगी, जिस पर उल्लंघनकर्ता को 7 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। ये भुगतान नेट बैंकिंग के जरिए या फिर थाने में जाकर की जा सकती है। 1 हफ्ते के बाद ये जुर्माना वर्चुअल कोर्ट में भरा जाएगा। अभी ये वर्चुअल कोर्ट इंदौर, भोपाल और जबलपुर में ही है। जुर्माने का मामला 15 दिन बाद स्थानीय कोर्ट में चलेगा। 1 से अधिक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। यदि पहले ही चालान कटा है और दूसरी दफा फिर से नियमों को तोड़ते पकड़े गए तो ये POS मशीन पुराना रिकॉर्ड भी बता देगी। कई बार नियमों को तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विराट 24 न्यूज के लिए खारगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे पास POS मशीन जो हमें प्राप्त हुई है पुलिस मुख्यालय से, उसी के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कल पुलिस कंट्रोल रूम में खरगोन में सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसके विषय में ट्रेनिंग भी दी गई है और आज उसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे उसी के द्वारा चालान बना रहे हैं। क्या ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबसे चालान भर जाएंगे? जी हाँ, ATM कार्ड अपने पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR स्कैन और कैश पेमेंट, इन सभी के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जा सकती है। तो जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी फिर वहाँ पे क्या? जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं वहाँ हमारे पास पुराना जो ट्रेडिंग चला रहा है उसी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें जो सिम डली हुई है वो सभी तरफ नेटवर्क कवर कर रही है। क्या नाम है सर आप? मैं थाना प्रभारी आता है सुबेदार दीपेंद्र सोनकर।